नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपका रेड डायमंड कोचिंग चैनल पर। आप यहां पे देखेंगे जो कि UPTET और CTET में पर्यावरण अध्ययन के आने वाले क्वेश्चंस हैं, इनका विस्तृत विश्लेषण और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उनकी व्याख्या और उनका सही ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस समय देख रहे हैं रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। और यदि आपको चैनल ये जो क्वेश्चन सभी बताए जाएंगे यदि आपको बेहतर और अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। पहला ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही ऑप्शन है इसका बाघ। क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। सही ऑप्शन है हमारा आयोडीन। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन है 1982, 72, 1981, 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आरंभ किया गया था, सही ऑप्शन है 1973 में। अगर वन्य जीव संरक्षण पूछे तो वो है 1972, तो आप सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 1973। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? अब देखिए, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो आप हमेशा से जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है सोयाबीन है। अब आपको सोयाबीन वाला ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है दूध, आम, गाजर। दूसरा ऑप्शन अंडा, मटर, मछली। तीसरा सोयाबीन, चना, मक्का। चौथा ऑप्शन सेब, दही, मांस। तो सही ऑप्शन है हमारा सोयाबीन, चना, मक्का, यही हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पर? ए ऑप्शन सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो सही ऑप्शन है पृष्ठीय ताप पर, जितना उसका टेम्परेचर ताप होगा उस पर निर्भर करता है। अगला ऑप्शन है वनों के महत्व का कारण है। तो चार ऑप्शन, पहला है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, अगला ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो वनों के महत्व का जो हम कारण देते हैं वो ग्रीन गोल्ड देते हैं, यानी कि हरा सोना बोलते हैं, क्योंकि वन से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक का मतलब होता है नष्ट कौन करता है पृथ्वी पे, जो साफ सफाई रहती है। पहला ऑप्शन जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु पक्षी। तो सही ऑप्शन है जीवाणु व कवक, यानी जीवाणु कवक होते हैं ये, क्या है, किसी भी सड़े गले पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। अगला ऑप्शन है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए, कथक है, पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। सही ऑप्शन है कथक है हमारा उत्तर भारत का, तो ऑप्शन है सही है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? सही ऑप्शन चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो देखिए, जो रबी की फसल ऐसी होती हैं जो ठंड में बोई जाती हैं, शीत ऋतु में, उनको हम रबी की फसल कहते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सब चीज़ें हमारे क्या आते हैं, रबी की फसल या ठंड में बोली वाली फसलें कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चना, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला है पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी कीट। तो पोलियो होता है विषाणु यानी वायरस के कारण, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 26 जून। तो सही ऑप्शन है 5 जून। ये ऑलरेडी सीटेट में दो बार क्वेश्चन, सॉरी UPTET में दो बार आ भी चुका है। तो सही ऑप्शन है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में अधिक होती है? चार ऑप्शन, ऑप्शन एक नीला, दो पीला, तीसरा लाल, चौथा हरा। तो सही ऑप्शन है लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अगला है, भिंडी में पाया जाता है क्या? पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए,
विटामिन सी, ये सभी सही ऑप्शन है, ये सभी। तो भिंडी में सभी पाए जाते हैं, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, ऑप्शन है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो देखिए फलों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, सही ऑप्शन है आम का। तो भारत में सबसे ज़्यादा आम खाए जाते हैं और होते भी हैं। अगला है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? सही ऑप्शन है, सॉरी आप ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से जैविक घटक है? तो देखिए पर्यावरण की परिभाषा होती है, पर्यावरण में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। ऑप्शन देखिए, पादप, मृदा, वायु, जल। तो जैविक घटक पूछता है, जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होती है, तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, पादप यानी पेड़ पौधों में भी जान होती है साइंस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए यूरिया, पोटास, फास्फोरस, कंपोस्ट। तो कह रहा है उर्वरक का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही है, कंपोस्ट। कंपोस्ट एक स्वयं में खाद है, बाकी सब हमारे क्या हैं, उर्वरक के उदाहरण ही हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक सांद्रण है नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी से अम्लीय वर्षा होती है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें H2SO4 आता है। NCTE का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 1 जुलाई को, ऑप्शन सी 10 अगस्त को, ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। सही ऑप्शन है 1 जुलाई को हम मनाते हैं क्या, वन महोत्सव दिवस। अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग है, ए अतिसार, बी छोटी माता, सी रक्तअल्पता, डी मस्तिष्क ज्वर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अतिसार। वायु प्रदूषक का कारण है, ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी सीवेज, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण होती है हमारी धुआं से, आप जानते हैं धुआं होगा ज़्यादा तो हमारी वायु हो जाएगी क्या, प्रदूषित। निम्नलिखित में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी सिंकोना, ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस, ऑप्शन डी अकोनाइट प्लांट। तो कुनेन दवा प्राप्त होती है, ऑप्शन बी सिंकोना सही है, और इससे क्या है मलेरिया वगैरह में काम आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 71% पृथ्वी का तल ढका है, किससे? ऑप्शन ए भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। तो 71% तल ढका है जल से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए नागरीकरण, ऑप्शन बी औद्योगिकरण, ऑप्शन सी विश्व के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी अम्ल वर्षा। सही ऑप्शन है इसका नागरीकरण, इसलिए क्योंकि यदि जल संकट तब होगा जब लोग नगर में बसेंगे, बहुत ज़्यादा क्या है पानी का दुरुपयोग करेंगे और पानी अपशिष्ट वगैरह यूज करेंगे, अधिक साबुन, अधिक तेल, तो क्या है जल हमारा दूषित हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नागरीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जट्रोफा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी आलू। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जट्रोफा। इसे लगभग 20-30% क्या है बायोडीजल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिलीशरण गुप्ता। तो राष्ट्रीय गीत सही ऑप्शन है इसका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप ऐसे याद रख सकते हैं,
राष्ट्रीय गीत, तो गीत कुमार विश्वास भी गाते हैं, ठीक है। तो कुमार विश्वास, विश्वास से गीत से क्या याद रखिए, यानी कुमार विश्वास गीत गाते हैं, और राष्ट्रीय गीत से याद रखे बासे बंकिम, बाके बासे क्या है, विश्वास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद चट्टोपाध्याय। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए पिलानी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। सही ऑप्शन है इसका दिल्ली। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डेसीबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन ए गहराई, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी वायुदाब। सही ऑप्शन है इसका ध्वनि, यानी डेसीबल से हम ध्वनि मापते हैं। मानव कितने डेसीबल से कितने डेसीबल तक की ध्वनि को सुन सकता है? यदि आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। हम ऐसे ही सीटेट और ये यूपी टेट के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन लाए हुए थे। नेक्स्ट टाइम ऐसे और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप हमारे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन नहीं आएगा और क्वेश्चन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।